नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर, जहां पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ का छठवां दिन ज्ञान का भंडार है, पंचाक्षर मंच का जाप, स्वामी झारखंडे का कहना। आपको बताते चले, नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वाधान में 60 दिवसीय अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ आज पूरे विधि विधान के साथ छठवें दिन भी अनवरत जारी रहा। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए दूध एवं गंगा जल से भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। आरती एवं विसर्जन के उपरांत उपस्थित भक्त जनों को शिव महापुराण कथा का अमृत पान कराते हुए संत शिरोमणि स्वामी झारखंड महाराज ने कहा कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना भक्तों के सभी मनोकामना को पूर्ण करता है। श्री महाराज ने कहा कि शिव का पंचाक्षर मंत्र का जाप ज्ञान का भंडार है। जो मनुष्य भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करते हैं, मानो उन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों को पढ़ लिया हो, क्योंकि शिव ही ज्ञान है और वही परम पद है। सभी को प्रतिदिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय करना चाहिए। श्री महाराज ने कहा कि भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, पंचाक्षर मंत्र का पूरा महात्मा करोड़ वर्षों से कोई भी नहीं करता। भगवान शिव ने महापार्वती से कहा कि इसका महत्व है, आपको संक्षेप में सुनाएंगे। उन्होंने कहा, प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर और नाम इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं, तुम भी प्रकृति के रूप में लीन हो जाते हो, तब हम अकेले ही रहते हैं। उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किए हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। आज के अभिषेक आरती और विसर्जन में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी एवं कांग्रेस नेत्री श्रीमती सत्या पांडे, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र गिरी, श्री प्रभाकर बनकटा, वरिष्ठ समाज सेवी श्रवण कुमार दुबे, सिद्ध बाबा सत्य प्रकाश पांडे, गौरव मिश्रा, सरिता गुप्ता, मधुबाला पांडे, राम शुक्ला, अनिल शुक्ला सहित सैकड़ों भक्तगण रहे उपस्थित। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता हसमत उल्ला की रिपोर्ट।